हमारे यहाँ श्रवण कुमार हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण हुए हैं जिन्होंने अपने बड़ों की ऐसी सेवा की, जिन्होंने ऐसी ऐसी परीक्षाओं से गुजरे, जिन्होंने परमात्माओं को धरती पर बुलाया है, अवतरित करा लिया अपनी तपस्या से। आज पता नहीं क्या हो गया, अचानक इतने भ्रमित क्यों हो गए हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ यदि धन ही कमाने से आपको लगता है कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो देखिए धन वाले बहुत घूम रहे हैं, अब उनको हवा नहीं मिल रही। बहुत धन वालों ने पिछले साहब एक दो महीने में हम लोगों को बहुत इसमें लगे हुए हैं, जैसा आपने परिचय दिया, हम कैलाश खेर फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारों को, धनबाजों को हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं कि लियो, धन से तुम्हें हवा नहीं मिल पाई, हमें हवा की मशीन भेज रहे हैं, हवा लगा के आए, एक के घर पे 2:30 बजे रात को लगा के आए हैं दिल्ली में साहब। धन की कोई अपार सीमा भी नहीं उनके यहाँ। मेरे ईश्वर ने कमाल की दुनिया रची है और मेरे ईश्वर ने सबका पहले प्रबंध किया है, लेकिन पृथ्वी प्रेम से खाली हो रही है, लोग बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। अपने बड़ों के इर्द गिर्द रहिए, तरक्की की परिभाषा आप ये मत मानिए कि बंगले, गाड़ी और नाम, शोहरत, बड़ी सिगरेट, लंबी, ये वो सब बेकार की चीज़ें, वो मिथ्या है। सबसे बड़ी तरक्की वही है जैसे हम जीते आए हैं, यदि हम उसका भी अभ्यास करते रहें साथ साथ। कमा लीजिए धन दौलत, लेकिन तय करिए सीमा, कृत्रिम की हमेशा सीमा तय करिए और नैसर्गिक की कभी कोई सीमा नहीं, अनंत है। ऑक्सीजन का भी अपार भंडार है और युगों युगों तक कभी कम नहीं होगा, लेकिन ये जीवन शैली ने हमारी जीवन की ऑक्सीजन खराब कर दी। प्रेम से खाली होंगे तो ऑक्सीजन कभी मिलेगी ही नहीं, तो हमें प्रेम को, सत्य को, प्योरिटी को, पवित्रता को अपनाते रहना होगा। और संगीत एक ऐसी चीज़ है, मैं कहता हूँ आपदाएं कब नहीं आई, हर युग में आपदाएं, हर युग में होनी आई, हर युग में माया ने अपना चाल और रूप दिखाया। कहो तो स्वामी थारी गैल चलूंगी, हे अलख पुरुष थारी चेली जी, द्वापर मैं बनी द्रौपदी, संग अर्जुन के मैं ब्याही जी, कौरव पांडव दोनों लड़ाए, यही दोनों से मैं न्यारी जी, त्रेता में मैं बनी जानकी, संग राघव के मैं ब्याही जी, राम और रावण दोनों लड़ाए, ये रही दोनों से मैं न्यारी जी। तो आफतें हर युग में आई हैं, मुसीबतें, माया, छल, कपट, विपत्तियां, दुख, रंज, अलम, दर्द, ये हर युग में आए हैं और हर युग में अपने अपने अच्छे प्रचुर मात्रा में आए हैं। मनुष्य को सक्षम सशक्त बनाया है मेरे दाता ने, मेरी प्रकृति ने, कि हाँ, क्योंकि दर्द भी तभी आता है जब आपको सहने की शक्ति होती है, वरना दर्द आएगा ही नहीं। चूहे भी वहीं आते हैं जहां कुछ खाने को होगा, कंगाल के यहाँ चूहे ऐसे बाईपास मार के चले जाएंगे, सोचेंगे अरे यार यहाँ कुछ है ही नहीं। दुख भी वहीं आता है जहां दुख सहने की शक्ति मेरे ईश्वर ने दी हो, क्यों? क्योंकि मैं तो दुख को, मैं तो पीड़ा को ही परमात्मा का रूप मानता हूँ। दुख कुछ ऐसी डरावनी चीज होती ही नहीं, दुख आपको आते हैं और कुछ सिखाने के लिए, इसका मतलब परमात्मा आते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे कक्ष में, ये मेरा ध्यानासन है, यहाँ जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। सबको लगता है मुंबई में रहते हैं तो ये तो चमकदार आइटम होंगे। 3 मंजिल घर में रहता हूँ, आप तो घर पे भी आ चुके हैं, और 3 मंजिल घर में टीवी में ही काम करता हूँ, लेकिन टीवी भी नहीं है घर पर।
देखिए दूसरे ये यहाँ पे थोड़ा अगर मैं स्क्रीन को ऊंचा करता हूं तो माँ पिताजी का फोटो हाँ, ब्यूटीफुल, लगा वाह है। वाह, ब्यूटीफुल, अब बहुत खूब, बहुत खूब। माँ पिताजी का ये फोटो लगा है, मैं आपको इसके लिए एक कहानी बताऊंगा। क्योंकि लॉकडाउन तो 1 वर्ष से चल ही रहा है लगभग लगभग साहब, तो मैं एक दिन पिताजी की तरफ हृदय जा रहा था और देखकर मेरे मन में ये आया, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो के भगवान नहीं। आसान है तुमको बतलाना हे परमेश्वर, तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। अरे सब सब रूठो जो मेरा साहेब राजी, सब सब रूठो जो मेरा मालक राजी, हो मारी अरज सुनो हे पिताजी, हो मारी सुध लीजो जी हे पिताजी, हे पिताजी। उस दिन पिताजी के नाम का ये गाना हृदय में आया भैया। तो इस प्रकार से आत्मा जब हम ध्यान में रहते हैं तो एक यहाँ की तरंगें अलग हैं, यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग हैं जहाँ हम रहते हैं, और सबको लगता है जी ये बहुत चमकदार दुनिया में, ग्लैमर में, और ये हम एकदम है अलग रहते हैं। बाहर की दुनिया अलग है, बाहर हम भी ए व्हाट्स अप मैन, हे बड़ी, आम बड़ी, पहले हमने सोयाबीन की बड़ी, मूंग की बड़ी ये सुनी थी, लेकिन यहाँ पे आए तो बड़ी इसका मनुष्य को भी कहते हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे रंग में भी ढल गए, बनावटी में भी हम ढले पूरा, लेकिन कितना ढलना था ये ईश्वर ने पहले से पकड़ा रखा है कि ज्यादा अंदर ना जाना भाई, ये गुफा है और ये फजूल की गुफा है। ऐसे भी नहीं कि कोई गुफा में कोई संत मिल जाएगा या कोई मंत्र मिल जाएगा, तो नकली में ज्यादा ना घुसना। मैं अपनी भाषा के लिए भी बताता हूँ कि मैं क्योंकि गुरुकुल और इसमें पढ़ा हूँ, आश्रम में, मैं सामान्य स्कूल और सामान्य कॉलेजेस तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे अंदर एक हीन भावना थी कि यार संसार तो अभी अंग्रेजी की तरफ भाग रहा है, मैं तो फिट होऊंगा नहीं, सो आई एम नॉट फिट इन टू दिस सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड एंड ऑल। तो बाद में पता लगा जब मैं मुंबई आया कि आई एम नॉट कूल, क्योंकि जो ऐसे नहीं होते तो मेरे मन में आता था यार आई एम नॉट कूल आई थिंक। लेकिन बाद में स्थिति क्या हुई, अब जो कूल हैं उनको हम देखते हैं वो बहुत जल्दी बिना किए थक जाते हैं। देखिए बिना काम किए थकते हैं वो, ओ मैन टायर्ड आई थिंक आई नीड वेकेशंस। अच्छा निकम्मे हैं एक नंबर, पड़े पड़े दो दो क्विंटल के हो गए हैं, लेकिन उनका उनका मन देखिए क्या है साहब, एक तो थक बहुत जल्दी जाते हैं, फिर वो वेकेशन चाहिए अब उनको। मैंने बोला अरे भाई तुम तो जीवन है एक वेकेशन में काट रहे हो। वेकेशन चाहिए, अरे वेकेशन को बेचारी तंग हो जाएंगी तुमसे तो। तुमने तो पृथ्वी का काफी घनत्व घेरा हुआ है, तो इसलिए क्यों तुम वेकेशंस को भी तंग कर रहने जा रहे हो। तो इस तरह की मैंने कूल कूल की हालत ये देखी है पुष्पेंद्र जी। तो जब ऐसा कूल हमें नहीं होना, भाषा है अंग्रेजी में भी हम काफी अंदर तक अगर चाहें तो घुस सकते हैं, और जब हम घुसते हैं तो एकदम मार ऐसा, क्योंकि हम तो बड़ी बड़े रेडियोज पे KCRW और जो NPR जो अपने न्यूयॉर्क की पब्लिक रेडियो, तो ये बड़े बड़े रेडियो वहां पर हम तो, वहां तो अंग्रेजी हैं बेचारे, गोरे गोरों से ही बात, तो गोरों के साथ हम ऐसे गोरे हो जाते हैं वहां भी, लेकिन हम भाषा तक रहना चाहते हैं, हम कल्चर तक, संस्कृति तक नहीं। संस्कृति हमारी अपनी ही है जो सत्य है, और जो सत्य के साथ उसी का अनमोल कृत्य है। यदि संस्कृति हमारे भारत में, अब क्या हुआ कि अचानक बाजारवाद इतना बढ़ा, जब से वो बाहर के लोग आए थे उन्होंने बाजारवाद को इतना हावी कर दिया, उनका उनकी चूरन भी होगा तो हमारे यहाँ वो ऐसा बिकता है जैसे अमृत की थैली बिक रही हो कोई। अभी देखिए हमारे भारत में मैं बताता हूँ कैसी मानसिकता है पढ़े लिखों की,
कुछ दिन पहले तक भारत की बनी हुई वैक्सीन पे ही भरोसा नहीं कर रहे थे, हमारे जो कुछ परिचित थे, तो वो अंग्रेजी में लिख रहे, नो मैन आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन, या नो नो आई हैव हर्ड सम बैड इफेक्ट्स ऑफ इट, यू नो पीपल आर रियली ऑल्सो आई डोंट ट्रस्ट। तो उन्होंने क्या कमाया, जो आए थे यहाँ दुष्ट जिन्होंने भी अपने कृत्य किए, उन्होंने यही कमाया कि इनकी आने वाली कई नस्लों को तक भ्रम फैला दो, उनको ट्रस्ट उनसे हटा दो, ये भारत में रहें लेकिन भारत के न रहें, इनका विश्वास, इनका एतमाद, इनका एतकाद भारत से हटा दो। वही वो कर गए। अच्छा, वो दूर हैं, वो मर भी गए जिन्होंने ये रचना रची थी, लेकिन अब वो उनकी जो अगली पौध है वो हंसती हैं और सरप्राइज्ड होती हैं, why is it so confusing, you know, in your country, man? तो मैं बोलता हूँ, हाँ यार, ये हमारे यहाँ कंफ्यूजन की फसल बो के गए हैं तुम्हारे कुछ बुजुर्ग। अब वो बेचारी फसल, तो वो बीज एक बार आपने डाल दिया, फल लगा, बीज जैसा बोया, तो अब जो नस्लें पैदा हो रही हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो कॉन्वेंटों की हैं, अंग्रेजी सभ्यता है वहाँ, वहाँ गॉड सिखाते हैं, वहाँ हमारे राम भगवान, शिव हमारे, वेद हमारे, कृष्ण भगवान हमारे, भगवान हनुमान हमें, हमारे यहाँ ये नहीं सिखाते, इनमें वो इल्यूजन बोलते हैं, यो इट्स ऑल फिक्शियस मैन आई थिंक, यू नो। अच्छा, जितने पढ़ लिख जाते हैं हमारे देश में बेचारे, उनकी एक और बीमारी उनको घेर लेती है, वो खुल के ये भी नहीं बता पाते कि नो आई एम नॉट दिस साइड, वो फिर अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं वो आवरण पहनते हैं फिर, नो आई डोंट बिलीव ओनली इन गॉड्स, जब तू गॉड्स में बिलीव नहीं करता तो भाई बाकी के कामों में तू कैसे कर रहा तो वो नकली का एक चादर बेचारे वहां पहन के ओढ़ लेते। जब भी मुझे कोई पढ़ा लिखा और थोड़ा भारतीयता की बात करता है तो मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि हे मेरे दाता, ये अभी तक अंधा नहीं किया आपने, या ये दूर ले जाके मारेगा, कहीं ये छलावा तो नहीं है, कहीं दूर ले जाके कि चल तुझे और अंदर गहरे तक चल मेरे साथ। इस तरह का इन्होंने पूरी जनरेशन हमारी की है, लेकिन परमात्मा की अभी भी एक ज्योत बहुत अच्छी जगी हुई है कि इन दिनों का भारत को नेतृत्व बहुत अच्छा मिल रहा है, पॉलिटिकल नेतृत्व जिसको हम कहेंगे, राजनीतिक, राजनीति के साथ जो समाज नीति आप निभा रहे हैं, जो काज नीति आप जैसे विलक्षण व्यक्तित्व निभा रहे हैं, उससे हमको बहुत आशाएं जग रही हैं कि नहीं, अभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, मेरे महाराणा प्रताप के कुछ अनुयायी अभी भी हैं, कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ वंशज अभी भी यहाँ दिखते हैं, कुछ ऐसे उनके अनुकरणीय या आत्माएं अभी भी हैं। और वो देखिए, क्योंकि हमें छद्म युद्ध से लड़ना पड़ रहा है, अभी युद्ध जो है वो सिद्धांतिक युद्ध नहीं हो रहे, अभी ऐसा है कि जब जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके टांग खींचने वाले घर में ही पहले पैदा कर दिए गए हैं, क्योंकि वो तो फसल बो के गए हैं उस तरह से, इट इज़ वेरी नीतिगत, जिसको नीतिगत हम विधिवत तरीके से बोलते हैं, उन्होंने हमारे बीज बदल दिए, हमारी सोच बदल दी, हमारी सभ्यता बदल दी, हमारी संस्कृति बदल दी, हमारी शिक्षा बदल दी, ये सब कुछ जो बदलाव है, अब कैसे आप लोग डटे हुए हैं कि जो बदला है, जो हमारा था, हमें वही उसको कैसे समेटना है, क्योंकि इतना रायता फैला दिया है, तो रायते को प्योर भी रखना है और समेटना भी है, तो आपके लिए तो ये मैं लोहे के चने और उनका जैसे पाउडर बना के खाना है इसी युग में और खिलाना है, तो ये बड़ा कार्य बड़ों को ही सौंपा जाता है, और अब मेरा देश कुछ बड़ों के हाथों में है, जिनमें आप अग्रगण्य हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी कुछ टीम है, कुछ उनके पास भी अयोग्य लोग हैं, लेकिन उसके लिए तो दोष दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फसल ही बो के गई है पुरानी संतति, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। भारत जैसा देश कोई दुनिया में हुआ ना होगा, भारत जैसा देश कोई दुनिया में हुआ ना होगा, और छल कपट न जाने कितने सहे, कितनी बार खाया धोखा, लेकिन आज तक भारत की जो एक प्रगति है, भारत की जो एक आत्मा है, उसको किसी ने आज तक प्रगति से भी न रोका। भारत कुछ अलग खंड है,
ये कोई सिर्फ भौगोलिक खंड में बोलता नहीं, भारत एक धर्म है, भारत एक जीने की शैली है, भारत एक ऐसी सभ्यता है, भारत एक ऐसा मर्म है, भारत एक ऐसा भाव है जिसको लोग यहाँ सिर्फ इस तरंगों में आ भी जाते हैं। कितने विदेशी लोग हमारे परिचित हैं जो आ भर जाते हैं इस मिट्टी में, इस धूल में, इस हवा में, भारत की जिसको हम हवा बोलते हैं। साहेब वो आने के बाद बोलते हैं, आई एम फीलिंग समथिंग वेरी पीसफुल हियर। मैंने कहा हाँ बेटा, यही तो धरती है जहाँ भीड़ में भी तन्हाई, तन्हाई में भी भीड़। यहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी होते हैं, जो सबसे बड़ी तपस्थली मुझे लगती है मुंबई है। मुंबई दुनिया की नजरों में माया नगरी है और फिल्म नगरी है। मैं कहता हूँ सबसे गहरे ध्यानी यही हो सकते हैं, यदि कोई हो सकते हैं। इट इज वेरी प्रोफेशनल सिटी। पूरे वर्ल्ड में हमने पूरे वर्ल्ड के 3-4 चक्कर काट लिए हैं पुष्पेंद्र जी, अभी तक कुल 40s में ही हैं अभी हम। उसके बाद भगवान की इतनी ये रही, पूरी पृथ्वी के कई चक्कर कटवाने के बाद मेरे बाबा ने क्या बोला है कि भारत जैसा खंड इस पूरी धरती पर कोई है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं ऐसा। सारे मौसम हमारे यहाँ दिए हैं, सारी फसलें दी हैं, सारी नस्लें दी हैं, समंदर दिए हैं, पर्वत दिए हैं, और बर्फ से आच्छादित पर्वत भी दिए हैं, और नदियां दी हैं, तीर्थ दिए हैं, भगवान हमारे यहाँ अवतरित हुए हैं। भारत क्या चीज है ये? लेकिन इस भारत में साथ में थोड़े कॉकरोच भी पकड़ा दिए गए हैं कि भैया ये लो, ये भी ले लो, ये थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड की एक्स्ट्रा खेप भी तुम्हें को झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें संतुलन बनाना है, और बाहरी आपदाओं से हमें उतने बड़े चुनौतियां कम हैं जितनी चुनौतियां, जितनी विषाद, जितनी आपत्तियां हमारे अंदर बैठकर, और वो लोग जो छद्म हैं, जो माया है, जो दिख नहीं रहे, अदृश्य होकर छल कर रहे हैं, छद्म कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, तो उनसे चौकस होना है, क्योंकि यही एक बड़ा चुनौती इस वक्त देश के समक्ष आ रही है। और हालांकि मैं इसके बाद भी इतना सकारात्मकता से भरा हुआ हूँ कि युगों युगों से देवता कम हुए हैं, राक्षस अधिक हुए हैं, लेकिन हमेशा संहार राक्षसों का हुआ है। आज तक मुझे बताइए कभी आपने सुना हो कि नहीं इतने देवता मरे, इतना ये हुआ? कभी नहीं। देवताओं का संहार नहीं होगा, संहार दैत्यों का ही होगा। तो ये प्रकृति का अपना एक विधान है। तो मैं इसके लिए बहुत ही, कुछ लोग हैं जो अपनी अपने मतलब विषाणु और विषाक्त चीजें फेंकते हैं, हम तो सोशल पे जुड़े होते हैं, करोड़ों लोग हमें फॉलो करते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया नाम की जो एक चीज बनी है, ये भी एक ऐसा है जैसे सबको पीक दान दे दिया हो भगवान ने अचानक, कि भाई सबके अंदर खकारें आ रही हैं तो इसमें उगलते रहना ये पीक दान है तुम्हारा, क्योंकि सब जानते नहीं कि ये क्या है। ये एक मंच है, और बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए, और परवाह नहीं चाहे जमाना खिलाफ हो, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा वे साफ हो। लेकिन ये तपस्या है, तपस्वी हर कोई होता नहीं। मैंने आज ही अपने ट्वीट से, मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूँ पुष्पेंद्र जी, आज ही मैंने अपने कैलाश खेर से भी, हैंडल से भी लिखा, और हमारी कैलाश खेर फाउंडेशन से भी लिखा, कि पुण्य करना भी एक तप है, एक तपस्या है, क्योंकि पुण्य की जड़ तो हरी है लेकिन पथ कंटक है। एक तो आपको इतना आसानियां सुलभता कहीं मिलेगी नहीं कि सब आपकी सेवा के लिए, जब आप सेवा करते हो तो खड़े हो, यहां तक कि आप जिनके दुख दूर भी करने जा रहे हैं वो भी पहले आपको संदेह और संशय से देखेंगे, जबकि आप फ्री में किसी का दुख दूर करने जा रहे हैं। तो तपस्या है ये भी बहुत बड़ी, पुण्य करना भी एक तपस्या है। लेकिन हमारे सन्यासियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने तो यही तो सिखाया है कि जो उसका काम है वो करेगा। जैसे किसी एक संत को बिच्छू काटने लगा, जब वो बिच्छू को, लंगड़े बिच्छू को उससे निकाल रहे थे दलदल से, कि भैया वहां फंस के तो और मर जाएगा, बिच्छू ने अपना काम कर दिया हाथ में, तो उनके शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी आप उसको फिर भी
बचाने में लगे हैं जबकि वो आपको डंक मार रहा कि अरे भैया उसकी लैंग्वेज ही वो है, वो यही कर सकता है बेचारा, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ मुझे तो वो करना चाहिए। तो हमारे गुरुओं की, हमारे बड़ों की, हमारे माता पिताओं की तो इतनी बड़ी बड़ी सीख होती है कि कुछ सीखने की जरूरत आपको कहीं और है ही नहीं। आप उनकी संगत में भर रह लें तो आपकी रंगत बदल जाएगी। भारत ऐसे ही बना है साहब, भारत मनीषियों का देश है, भारत वैज्ञानिकों का देश है, भारत गणितज्ञों का देश है और गुणियों का देश है। ये कैसे है? कोई यहाँ डिग्रियां थी 200 साल पहले तक? मुझे बताओ कोई आईएएस होता था यहाँ? कोई पीएचडी होती थी? कोई बैरिस्टर होते थे 200 साल पहले तक का हिस्ट्री देखिए आप? और बिना साहेब, बिना घड़ी देखे हुए बड़े समय बताते थे, ये था मेरा भारत। बिना समय देखे हुए, बिना पांचांग देखे हुए वो बताते थे अभी बेटा ये नक्षत्र है और इस नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा और इसमें कुछ खाना नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वातावरण बदलता है तो वायु प्रदोष होता है, तो उसमें कुछ खाना नहीं, बस जल पे रहना। तो सब कुछ वैज्ञानिक इतने घरों में पाए जाते थे हमारे देश में, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा से इतने डर गए ने लोग कि अब वो सब विषाक्त कर गए हर चीज को। तो इसलिए हमारे देश में आप जैसे लोगों का अवतरण ये बहुत ही परमात्मा की मैं अनंत कृपा मानता हूँ। और देखिए, दैत्यों का काम है विघ्न डालना यज्ञ में, लेकिन देवों का कार्य है यज्ञ को संपूर्ण करना। मेरे महाशिव शिव पुराण में यही लिखा है कि यज्ञ तो संपन्न होकर रहेगा, विघ्न चाहे कितनी भी आए। विघ्नकारी अपना मुक्त होने के लिए ही आते हैं देवों की शरण में। तो इसलिए जितने आपदा आफतकारी, जितने आज भी विनाशकारी हमारे देश समाज संसार में फैले हुए हैं, वो भी अपनी मुक्ति के ही लिए आ रहे हैं अपना रूप दिखाने। उनकी भी मुक्ति धीरे धीरे हो ही जाएगी और हो भी रहा है ये। मैं आपको भगवान राम की एक बहुत ही ऐसी एक बात बताता हूँ जो सामान्यतया सब नहीं समझ पाते उस बिंदु को। ये एक इतना प्यारा, इतनी प्यारी सीख उसमें, जैसे गागर में सागर, भगवान राम की ये वाली एक जो तथ्य है छोटा सा। जब भगवान लंका पर आक्रमण करने के लिए चलने लगे तो रामेश्वरम में जब वो सेतु बना रहे थे उनके अनुयायी भगवान राम के भक्त, तो मेरे दाता ने, प्रभु राम ने भगवान शिव को आराधना वहाँ की और स्तुति की। और साहेब उस स्तुति में भी उन्होंने देखी, उस अर्चना में भी, उस प्रार्थना में भी पुष्पेंद्र जी क्या मांगा भगवान राम ने, हे मेरे ईश्वर ये है हमारे राम। बात करते करते आंखें भीग आईं कि उन्होंने तब भी, भगवान अब मैं जा रहा हूँ, मेरे शिव, मेरे महाशिव, अब मैं जा रहा हूँ, रावण को सदगति मिले इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, मेरे हाथों रावण का वध होगा, मुक्ति होगी, बस उनको सदगति मिले इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। कोई कितनी बड़ी सीख इसमें है साहब, उसमें भी द्वेष के लिए नहीं कि अब बस भगवान मुझे शक्ति दो, मैं जाके उसे धराशायी कर दूं, मैं ये कर दूं, ना, ये तो पता है कि उसकी मुक्ति होने वाली है, बस उसको सदगति मिले, हे मेरे ईश्वर ये यज्ञ पहले से कर रहे हैं। यानी सम्मान देखिए शत्रु का। ऐसे थे प्रभु राम, ऐसी थी उनकी सीख। भारत में हम उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बीज खराब हो चुके हैं अब तो धीरे धीरे, लेकिन जो बचा है, जो बीज आप जैसे लोग, अच्छे लोग बचे हैं, वही संभालेंगे। क्यों? क्योंकि युगों युगों से अच्छाई कम रही है, लेकिन कम में दम है। आप देखिए चरणामृत, चाहे कितना भी अमीर आदमी आए, प्राइवेट जहाज लेके उड़ जाए, एक बूंद आपको भी मिलेगी, एक बूंद उसको भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि भैया तुझे ड्रम देख देंगे भर के चरणामृत का। तो जो अनमोल दिव्य आत्माएं हैं वो कम है और कम में ही दम है, ये प्रकृति का विधान है। तो मुझे गर्व है कि मैं आपके इस प्यारे से चैनल पर आज आया और संगीत
और वेदना और संगीत की संवेदना, इसमें हमने आज अपने कुछ विचार रखे। मैं जाते जाते एक दो गाने भी गा देता हूं क्योंकि उसी से हमारी पहचान हुई है। मैं एक हंसी की बात बताता हूं आपको। शुरू में हमसे लोग पूछते थे यहाँ पर, क्योंकि हम तो जिद हैं, जुनून हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम अपने आप को पागल बोलते हैं, तो सबको लगता है हम गायक हैं, हम पैसा कमाएंगे, बंगला लेंगे। नहीं, ये तो हमको पहले से दिया हुआ था मेरे दाता ने, बस चाबी लेनी थी अपने से। ये तो हमें पहले से देकर भेजा था। मेरे अंदर बंगले थे, मेरे अंदर गाड़ियां थी, मेरे अंदर डाल दिए थे यहाँ सब, यहाँ और यहाँ ऐसी जोत भर दी कि ये ले 10 बंगले ले ले, 10 फार्म हाउस ले ले, ये खेत ले ले, इनको अंग्रेजी में फार्म हाउस बोलते हैं, ये ले तू, ये भी ले ले। सब दे के भेजा था, बस चाबी लेनी थी। लेकिन असली जो लगन थी वो क्या थी? हमसे पूछते थे क्या गाते हो, क्लासिकल गाते हो? इनका नहीं जी, क्लासिकल तो। अच्छा, भजन गाते हो? नहीं, भजन भी नहीं। गजल वगैरह, फिल्मी गाते हो? नहीं। फिर गाते क्या हो? तो मैं मन ही मन सोचता था इनका एक दिन मेरा दाता बताएगा क्या गाता हूँ। तो जब मेरी पतंग अपनी रवानी पे उड़ गई, जब मेरी 54-26 पैसे में चलने लगी, तो परमात्मा ने लोगों द्वारा खुद ही कहना शुरू कर दिया कि ये आध्यात्मिक गायक हैं, ये सूफी गायक हैं, ये निर्गुणी गाते हैं। कैलाश खेर, हाँ भाई वो तो क्या बात है भाई, वो तो निर्गुणी गाते हैं भाई, वो तो आध्यात्मिक गाते हैं भाई, अरे उनका तो डिवाइन वॉइस है, डिवाइन गायकी है ये। फिर संसार से बुलवाया मेरे बाबा ने, मुझे पता ही नहीं मैं क्या गाता हूँ, मैं हृदय गाता हूँ, मुझे यहाँ हृदय ले देकर भेजा मेरे बाबा ने। एक जोत जगाई है कि जा बेटे, तू मेरी ज्योत है, अब तू बस आगे आगे सबको ज्योतिर्मय करता चल। तो जितना हो सकता है साहेब, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसा मैंने बताया, जब दड़ मार के पड़ जाता है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम संगीत के माध्यम से सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, एक एनलाइटनमेंट की यात्रा पर हूँ। और बहुत लोगों में 50-50 हज़ार, लाख लाख, 5-5, हमारी सबसे तगड़ी जो क्राउड थी अभी आपने दिखाई, वो 5.5 लाख लाइव ऑडियंस थी आदि योगी का जो आपने दिखाया कोयम्बटोर में। तो ऐसे ऐसे लोगों में जब हम गाते हैं तो हम एक निवेदन उनसे करते हैं संगीत के माध्यम से, मेरे दाता इन सबको नचाना भी, झुमाना भी, गवाना भी, लेकिन इनके हृदय तक पहुंचा देना मैसेज। क्योंकि हमारा गाना सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रखना मेरे दाता, एंटरटेनमेंट के लिए हम शायद उचित नहीं हैं। एंटरटेनमेंट के लिए तो बंदर भी है, बंदर को आप ऐसे डुगडुगी लगाइए वो भी तमाशगीन, उससे भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन जब एंटर अटेनमेंट होता है तब एक बात होती है, जब एनलाइटनमेंट होता है तब एक बात होती है। और कैलाशा के संगीत से परमात्मा ने एक तो वो ज्योत जगा दी, और बिना मेरे ऐसा एफर्ट्स किए, नो आई एम एक्चुअली आई वांट टू डू दिस, दिस इज माय ड्रीम, दिस इज माय एंबिशन, नहीं मुझे नहीं पता, मैं ख्वाब नहीं देखता, ख्वाब मुझे देखते हैं, मेरे दाता का मैं ही ख्वाब हूँ, मैं बालक हूँ उनका। एक अचंभा गाऊं मैं मन के ठाठ सुनाऊं, एक अचंभा गाऊं मैं मन के ठाठ सुनाऊं, जब कभी कभी हो मेरे बाबा जी निहारें आसमान से, हो मेरे बाबा जी निहारें आसमान से, एक अचंभा गाऊं मैं मन के ठाठ सुनाऊं, जब कभी कभी ओ मेरे बाबा जी निहारे आसमान से। तो जब मेरा यहाँ गाना और मेरी थोड़ी पहचान ये बन गई, और सब मुझसे शुरू में ये भी पूछते थे, इंटरव्यू जब धड़ाधड़ होने लगे, 4-5 साल मेरे करियर के हो गए पुष्पेंद्र जी, तो बहुत लोगों ने बोला, सो हुज योर गॉड फादर, हु गेव यू ब्रेक? तो मैंने उनको बताया, भाई मुझे आज तक ब्रेक नहीं मिला, ना मुझे चाहिए, मुझे सीधा एक्सीलेटर दिया है, एंड गॉड इज माय फादर, बाकी सब मुझे बस लगते हैं कि हाँ ये भी हैं।
मनका मैं किसी से भी पृथ्वी पर प्रभावित बहुत कम हो पाता हूँ अदर देन मेरे परमात्मा और महाशिव। धरती पर बस सब हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी से गलती से सब गुजरते हैं, तो इसलिए ये भी हैं। इनकी पहचान ही ये है कि ये भी अभी तक हैं। मैं ऐसे बोल के चल पड़ता हूँ। तो गॉड ही मेरे फादर हैं और मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे एक्सीलेटर मिला हुआ है और मैं रॉकेट स्पीड पर हूँ और मैं अपने में हूँ। एक बार एक रिकॉर्डिंग के वक्त साहब एक नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर हमको गवा रहे थे, 2007 में एक फिल्म आई थी किसना, तो उसमें हमें गवा रहे थे हम। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे कैसा होता है जब आप नए नए होते हैं तो आपको बुला के भी काम करने नहीं दिया जाता जिस काम से आपको बुलाया गया, क्योंकि आपको संदेह से देखा जाता है शुरू के दिनों में। ये एक पीड़ा है, देखिए आपको काम मिले न मिले ये एक अलग समस्या है, लेकिन ऐसे काम मिले कि आपकी को संदेह से ही देखा जाए, आपके अंदर आत्मविश्वास भरे ही ना, आप हमेशा अपने आप को कमतर में रहें, ये यहाँ का एटीट्यूड होता है बड़ों का। अब मैं इस पॉइंट पर भी आऊँगा कि क्यों मैंने इतने सारे प्रकल्प छेड़े हुए हैं कुल 15 साल में जो कभी किसी ने नहीं किए, तो मुझसे उन्होंने ये किया। अच्छा, मैं क्योंकि मैं चिंताओं से चिताओं से आफत आपदाओं से ही बना हूँ, मैं तो मुसीबतों का ही पुत्र हूँ, तो ये मुझे छोटे लगते थे। मुंबई की जो ये जो छोटी छोटी चालबाजियाँ हैं, किसी को नीचा दिखाना, ये तो हम तो वहीं से आए ही हैं भैया, तो इसलिए अब हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो नटका ही बालक हूँ, रस्सों पे चला हुआ हूँ मैं तो, तुम मुझे क्या गिराओगे। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर हमको हल्का करने के लिए, जब क्योंकि हम तगड़ा गा रहे होंगे शायद, तो यहाँ तगड़ा गाने वाले को बुलाया आपने और आप गुरु हैं, म्यूजिक डायरेक्टर गुरु होता है, लेकिन तगड़ा गाने वाले की नया है, किसी ने रेकमेंड किया है, अब ये गा रहे हैं, अब जो बाजू में बैठे हैं प्रोड्यूसर और जो लिरिक राइटर बड़े नामचीन वो तारीफ कर रहे हैं, तो इनके जो जो अहम है उस पे ठेस पहुंच रही है, इनके जो जो मद है इनके स्वयं का मद, उस पर ठेस पहुंचने का देखिए क्या है मनोवृत्ति। और हमने तो मैं तो साइकोलॉजी शब्द तो मैंने अंग्रेजी का यहाँ सुना था, लेकिन मनोविज्ञान में वैसे ही कितना हम बचपन से संतों में रहा हूँ गुरुओं में रहा हूँ, तो मुझे पता है मनोवृत्ति और मनोविज्ञान क्या होता है, कि हाँ मनुष्य को बहुत लोगों को ज़्यादातर का दुख जो है वो ये है कि ये सुखी क्यों है, कोई और सुखी क्यों है, मैं इसलिए दुखी हूँ। ज़्यादातर दुखों का कारण ही मनुष्य का ये है कि कोई और सुखी है इसलिए ये भाई साहब दुखी है। तो मेरी तारीफ अपना, अपना दुख और दूसरे के सुख का दुख। तो भैया ये हुआ, तो अब जब मेरी तारीफ हुई मैंने जो एक दो लाइन ऐसे करके आया मैं, और मतलब मैं बेबाकी से गाता आया हूँ क्योंकि मैंने बाकायदे सीखा नहीं संगीत, मैंने बड़ों को सुना और सुन सुन के गुना, तो पागलपन मेरे अंदर था और एक तपस्वी भाव मेरे हृदय में रहता है कि कभी भी सीखना कम नहीं होगा और मैं मरणासन अवस्था तक सिर्फ एक विद्यार्थी ही रह सकता हूँ, कुछ और उसके बियॉन्ड हो ही नहीं सकता। तो जब आपके हृदय में क्लियर है ये, तो मैं अपने तटस्थ भाव में गा रहा हूँ, अपनी बेबाकी में अपनी मस्ती में, अब इस तरह का अगर तान मारी जा रही है तो अचानक वहां से अब जो उनके अहम को ठेस पहुंची, उन्होंने इशारा, अच्छी बात है, अच्छा है ये तो, लेकिन थोड़ा बेटा इसमें ना मोहम्मद रफ़ी को थोड़ा दिमाग में रख के गाओ, ऐसे गाओ जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं। मैंने जी उनको बोला कि जी वो तो मोहम्मद रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, मैं कैलाश खेर हूँ, मैं कैलाश खेर बनाया गया हूँ बड़ी शिद्दत और बड़ी मुद्दत से, तो मैं वैसा ही गा सकता हूँ कैलाश खेर जैसा, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। साहेब उसकी सांस ऐसी अटक गई, ना तो वो मुझे भगा सकता रिकॉर्डिंग से और ना वो ये कह सकता कि बस तेरी हो गई रिकॉर्डिंग,
भैया तो तू अब तूने बुलाया तो आधे में तो तू गवा के बुलाएगा नहीं। अभी भी हैं ये सब लोग, जिंदा हैं अभी भी, यही हैं, इसी धरातल पे हैं। और हमारे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर छोड़ो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं ये सब। तो मैं सोचता हूँ मेरे बाबा आपने मुझे 1500 वर्ष की जिंदगी दी, और आज सब लोग इसलिए भी थोड़ा सा चकित रहते हैं कि जैसे ये पहले आया था जिस जुनून जिस जिद में, वही रूट पे अभी भी है। तो ऐसी वाली पागलपन मेरे अंदर क्यों है, क्योंकि साहब जब ये स्थिति ऐसी हुई कि मैं शुरू के दिनों में यहाँ देखता था कि यहाँ सीनियर्स से जिनके नाम हो चुके हैं हमारे संगीत क्षेत्र में भी, उनसे मिलना भर भी मयस्सर नहीं होता था। देखिए साहब, गाइडेंस और कुछ कोई सूत्र मिलना जिसको अंग्रेजी में टिप्स कहते हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है, मिलना भर मयस्सर नहीं। ऐसा जैसे भगवान के दर्शन होने हो। तो मैंने तब मन में सोचा कल चल के हम इन्हीं के कलीग बनेंगे, इन्हीं की फ्रेटर्निटी के हिस्से होंगे, लेकिन आज इतनी बड़ी समस्याएं यहाँ हैं कि किसी से मिलना भर भी इतना दूभर है। तो मैं, मेरे दाता, ऐसी कामयाबी मुझे नहीं चाहिए कि मेरा मैं रीचेबल अप्रोचेबल ना रहूं। तो मैं ऐसा मनी बनना चाहता हूं जैसा सब हैं। तो मैं, मेरे अंदर ये पागलपन तब से ही था, इसलिए मैंने बताया कि पुण्य करना भी एक तपस्या है। अब देखिए, मैं कहने को गृहस्थ में हूं लेकिन जीता वानप्रस्थ में हूं, मैं अकेला रहता हूं, लेकिन वो उदास वाला अकेला नहीं, अकेला जो ध्यानी होते हैं, जो एकांत प्रवासी होते हैं, मैं वो रहता हूँ। इसलिए इतना समय और इतना श्रम ये दोनों दे पाता हूँ, अन्यथा बड़े बड़े लोग उलझे ही रहते हैं अपने बुना उधेड़ी में और 99 में, हमें इनसे पहले निवृत्त कर दिया बाबा ने, मुझे ये सब की जरूरत नहीं। सब लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं वो तेरे पीछे भागेगी, तू चिंता मत कर, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, वो सब तू वो मत कर जो सब कर रहे हैं। मैंने वही धार लिया। अब आज देखिए कुदरतन बात, कैलाश खेर फाउंडेशन साहब, अभी हम लोग, भगवान ने चाहा तो 200 बेड का हॉस्पिटल हम लोगों ने इस्कॉन के और बड़ा बिजनेस के साथ एसोसिएट होकर यहाँ बनाया है नोएडा में। उसकी इतनी तारीफ आई है पुष्पेंद्र जी कि देखिए, हॉस्पिटल मिलना एक समस्या है, लेकिन हॉस्पिटल कब्रिस्तान और शमशान जैसा मिलना वो दूसरी समस्या है। जब हॉस्पिटल भी मिल रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कौन डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहा है, ये आप कितने भी बड़े आदमी हों ये आपको भेद नहीं चलेगा। सरकारी हॉस्पिटलों की तो ये दुर्गति है सर, इसका मतलब आप वहाँ पड़े रहिए, मरें जिए जिए, तो राम भरोसे पे आप चले गए। अगर आप इन्फेक्शन लेकर गए हैं अपने फेफड़ों में, तो जब तक आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको पता ना चले, तो घर वाले कैसे निश्चिंत होंगे। सर देखिए, भारत अभी भी भावनाओं से चलता है। भारत में एक परिवार का एक सदस्य बीमार होता है तो आपको लगता है क्या एक ही बीमार होता है ना, सारा परिवार बीमार होता है फिर, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सारे परिवार लिए घूमता है। भारत बदलेगा नहीं, भारत इस मामले में, क्योंकि भारत एक भाव है, भारत एक भावना है, हम भावनाओं से ही बड़े हैं। हमारे यहाँ मदर इन लॉ अभी नहीं हुई है, गांवों में ये लैंग्वेज ही नहीं पता अभी भी। भारत तो गांवों का है, भारत अभी भी भावनाओं का ही है। तो आपने मतलब आसमान से टपके और आप एक बहुत बड़े खतरनाक पेड़ पे अटक गए, आप ऐसी वाली स्थिति कर देते हैं। हमने जो ये हॉस्पिटल बनाया, इसकी तारीफें आ रही हैं साहब, तारीफें कैसी आ रही हैं कि हे मेरे दाता, आपने हॉस्पिटल भी बनाया और ऐसा बनाया जिसमें हम अपने पेशेंट तलक से यदि बात करने योग्य है तो बात कर पाते हैं, और वो बताता है हमें कि हाँ मेरा ऑक्सीजन लेवल आज इतना आया है और मुझे ट्रीटमेंट ये दिया जा रहा है, डॉक्टर भी मुझसे ढंग से बात कर रहे हैं, भले पट्टियां बांधी हुई हैं सबने, लेकिन साहेब इतने भर से घर तो सुखी हो गया। तो जब हमें फीडबैक ऐसी मिली पुष्पेंद्र जी, तो अब हम लोग यानी बड़ा बिजनेस, इस्कॉन और कैलाश केयर फाउंडेशन के तत्वावधान में अब 2000 बेड का हॉस्पिटल उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अच्छाई का माना कि कम होगी अच्छाई, लेकिन कम में दम है, और अच्छाई को ऐसे ही प्रजनन हो, अच्छाई का ऐसे ही सृजनन हो, और अच्छाई का ऐसे ही विस्तार हो, तो धीरे धीरे
बुराई तभी घटेगी जब अच्छाई बढ़ती रहे, क्योंकि आप अच्छाई को बार बार छुपा दें और बुराई को, मैं पत्रकारिता को क्यों दोष देता हूं थोड़ा बहुत जो बिगड़ी है हमारे देश की, पत्रकारिता में यही हुआ कि बुरी चीजों को वो हाईलाइट करने लगे, बुराई को ही छापने लगे, तो वो पहले पत्रकारिता ये नहीं थी, पत्रकारिता समाज को एक अच्छा राह दिखाने के लिए बनी थी, पत्रकारिता समाज का एक आईना थी, समाज में जो अच्छी चीजें हो रही उनको ज्यादा स्पेस मिलता था, और जो बुराइयां होती थी कई बार तो बुराइयों को ज्यादा छापो ही मत, क्योंकि बुराई को छापते हैं तो बुरों का हौसला बढ़ता है कि अरे वाह हमारे बारे में जिक्र हुआ। देखिए अभी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा लोगों की बेचैनी का सबब ही पुष्पेंद्र जी ये है कि उनको लोगों का ध्यान चाहिए, वो इतने खोए हुए हैं पृथ्वी पर कि अब उनको अटेंशन चाहिए, क्योंकि जब से ये मनुष्य ने तरक्की की है यंत्रों के साथ तब से मनुष्य अकेला हो गया, तन्हा, इतना तन्हा कि अब उसे शत्रुता भी ऐसी चाहिए कि मैं बार बार उंगल करूं पुष्पेंद्र जी को कोई ना कोई बात करके कि मुझ पे वो ध्यान दे दें, बस कुछ गालियां ही दे दूं हल्की सी, कुछ बुराई लिख दूं ताकि मुझे वो पलट के कुछ दे दें, बस मेरे मुझे अटेंशन मिल जाए। हम लोगों का क्या है, अटेंशन ही मत दो, देखिए ये सजा दीजिए आप जो दुष्ट है, क्योंकि दुष्टता अनेक प्रकार की होती है। मैं पत्रकारिता में भी ये एक बड़ा बदलाव आया कि बुराइयों को वो इतना हाईलाइट करते हैं, देश की बुराई हो, हमारे समाज की कोई पद्धति, जीने की पद्धति हो, उसका मतलब अपमान को, अपयश को बहुत बड़ा बनाते हैं, तो वहाँ हमारा पत्रकारिता बिगड़ी। तो इस तरह से जो जो चीज़ें बिगड़ी बिगड़ती गईं उन्होंने स्वरूप हमारे जीवन के बदल दिए। तो साहब अब हम ये हॉस्पिटल इसके तत्वावधान में बना रहे हैं इस्कॉन, और साथ में हम अमेरिका से साहब नॉर्थवेल, एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की चेन है नॉर्थवेल, यहाँ पर टाटा मेमोरियल, कैलाश केयर फाउंडेशन, इन दोनों को सप्लाईज भेज रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। ठीक है साहब, उसमें जितने भी, अभी हम नंबर नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने उनसे निवेदन किया, पहले समझाया कि भैया हमारे यहाँ 110 वॉट नहीं चलती, 220 चलती है, वो कन्वर्ट करके भेजो। पता लगा ऐसे ऐसे बेचारों के घरों में यहाँ हमारे यहाँ पॉइंट ही नहीं है वो इंटरनेशनल प्लग वाले, तो वो उसी में उलझ के रह जाएंगे। अब पहले ऑक्सीजन के लिए सांस अटकी हुई, फिर दूसरी समस्या में सांस अटक जाएगी, तो वो बेचारा ने देखिए हमारे लिए 220 पहले कन्वर्ट कराए, और उसके बाद अच्छी क्वालिटी का जिसकी वैल्यू ही 800-900 डॉलर एक की है, वो कैलाश खेर फाउंडेशन के लिए हमने मंगवाई हैं। जैसा आपने बताया N92 बहुत सारे 100,000 के करीब मास्क मंगवाए हैं। इस तरह से हम जितनी मेडिकल सप्लाईज आ रही हैं कैलाश खेर फाउंडेशन अब लगी हुई है रात दिन ये सब करने में, और मनुष्य बचाओ, जीवन बचाओ आंदोलन, ये पहला आंदोलन 15 साल के करियर में। साहब हमारे भारत में गायक ने कोई गायक कभी लॉन्च किया नहीं, बल्कि जड़ काटी है कि कोई और ना आ जाए धरती पर। मैं पिछले 5 वर्ष से साहब, कुल 15 वर्ष टोटल हुए हैं अभी करियर को, मैं 5 वर्ष से अपने जन्मदिन पर कैंडल बुझाता नहीं हूँ, कैंडल जलाता हूँ, एक नई ज्योत जलाता हूँ नए हुनर की। और एक पूरा ऑडिटोरियम हायर करते थे लॉकडाउन से पहले तक, और उसमें अपना पैसा लगा के उनको मंच देते थे, और भारत के गणमान्य विभूतियों को बुलाकर उन बच्चों को गवाते थे कि जी ये देखिए भारत में ही जन्मे हुए ये हुनर हैं, अब ये संभालेंगे अगली पद्धति। तो जावेद साहब और शबाना आजमी जी आई थी पहले चीफ गेस्ट में 2017 में, उन्होंने मंच पर कहा था कि मैं पहले पूरे करियर में अपने पहली बार देख रहा हूँ कोई ऐसा पागल आदमी जो अपना कॉम्पिटिटर खुद खड़ा कर रहा हो। लेकिन ये दुनिया पागलों से ही जानी गई है, ऐसे जुनूनियों से ही जानी गई, तो ये पहला कॉम्प्लीमेंट हमको वहाँ मिला था। हर साल हम नए गायक लॉन्च करते हैं साहब, क्यों करता हूं, क्योंकि यहां मिलने तलब का समय नहीं देता था कोई, यहां गाइड करना, और ये तो क्या है साहब, आते हैं सब गरीबी से, आते हैं सब दूर दराज से,
लेकिन यहाँ इतने गफलत में और नशे में होते हैं, कांचली आ जाती है उनकी आंखों पे बाद में, कि वो बाद में उनको फुर्सत ही नहीं है नीचे देखने की, इतने उड़े उड़े रह रहे हैं। मैंने कहा मुझे भगवान ऐसा मत बनाना। मैं आज भी एक मिशन हम चला रहे हैं पुष्पेंद्र जी, इसी वर्ष शायद हम प्रारंभ कर देंगे, कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स KKALA कला, और जो हमारा फिजिकल फॉर्म का विद्यालय बनेगा उसका नाम होगा कला धाम। सर उसमें मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, बहुत सारे कैलाश खेर जैसे अभी भी खोए हुए हैं। भारत तो बहुत अनंत बड़ा विश्व है, भारत तो मैं देश नहीं कहता हूँ, ये विश्व है, ठीक है। उसमें ऐसी आत्माएं बहुत हैं अभी भी जिनके अंदर नैसर्गिक गुण है, बुद्धिमत्ता है, उनको आप नर्चर कीजिए, ग्रूमिंग दीजिए, उनको संचय कीजिए, संचित कीजिए, उनका पल्लवन कीजिए, पोषण कीजिए। न जाने कौन क्या शक्ति आप दे दें इस देश को उन्हीं में से, क्योंकि आज तक आप देखिए कोई ज़्यादा यू नो मॉडर्न कल्चर से आया हुआ हमारे यहाँ कोई ज़्यादा शील्ड और ओलंपिक लाए नहीं है। ज़्यादा गांव के लोगों ने हमारे यहाँ मेडल और ये जीते हैं विदेशों के ख्याति। तो आज भी गांवों की तरफ से, दूर दराज से, भारत से इतने बड़े बड़े हुनर, अनकट डायमंड बिखरे हुए हैं। तो हम यहाँ मुंबई में उनके लिए एक छोटा हॉस्टल बनाएंगे, जो सच्चे तपस्वी हैं साधक, जिनको हीरो बनने की बीमारी होगी, जिनको स्टार बनने की भी, उनके लिए तो हम हैं नहीं देखिए, क्योंकि ऐसे भी संघर्षी हमें मिलते हैं जो शाम होते ही ये भी खींचना है और वैसे भी अपना ये भी खींचना है, उनसे हम थोड़ा दूर रहते हैं। भाई अपने व्यसनों में हो तो आप तपस्वी नहीं हो पाओगे। तो जो सच्चे साधक हैं उनके लिए मैं एक ऐसी कुटीर बना रहा हूँ, कुटिया, जहाँ पे उनके ठहरने का बंदोबस्त हो और वो सीखें विधिवत। साहब यहाँ तक कि बाकायदे वो साउंड प्रोडक्शन सीखें हमारे इंस्टीट्यूट में, बाकायदे लैंग्वेज सीखें, भाषा की शुद्धता सीखें, और क्योंकि भाषा बिगड़ गई है अभी हिंदी भी नहीं बोल पाते ठीक से, हिंदी भाषी लोग भी आकर वो कुछ और बनने में लगे हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, अभी वो हो गया, ऐसी जनरेशन आ गई। तो मेरे मन में ये उद्गार हैं और हमने वो जगह बना भी ली है, मैंने जो भी अभी तक जोड़ा जंगीड़ा था वो सब उन्हीं में, कर्जा ले लेके मेरा पूत बंजारा, लेवे कर्ज और बेचे उधारा, हम जीता जागता उदाहरण है उसका। तो हमने ये सब कर लिया, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। हम अब देखिए अभी 40s में है सर, अभी जीवन पूरा पड़ा है, 11 वर्ष का मेरा बेटा है, मैं फिर भी यहाँ अकेला भी रहता हूँ, वो अपनी माँ के साथ रहता है यहीं 10 मिनट की दूरी पे, लेकिन हम अपना जीवन अब समाज, संसार, देश, हमारे प्रशंसकों के लिए और मनुष्य जाति के लिए दे रहे हैं, लेकिन जगे हुओं के लिए हम हैं, दड़े हुओं के लिए नहीं, जो दड़ मार के पड़े, जो जागना नहीं चाहते और जो ये बोल रहे हैं आम एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन, तो उनसे हम भी थोड़ा क्योंकि वो दड़े हुए हैं, सोए हुए को जगाया जा सकता है साहब,